संजू, आई एम प्रेग्नेंट। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? सच बोल रही हूँ, मैंने अभी टेस्ट किया है। सर ये सब छोड़ो, तुम उससे जल्दी मिलने आओ प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या होगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। चुप क्यों बैठे हो, कुछ बोलो ना। कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसी सिचुएशन में, क्या करूं। हमारे पास दो ही ऑप्शन है अब। क्या? या तो मैं अबॉर्शन करवा लेती हूँ या फिर हमें शादी करनी पड़ेगी। शादी नहीं करनी है क्या? नहीं करनी है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुम अपने घर पे बात कर सकते हो, ये सब बता सकते हो, और उसके बाद तुम्हें मेरे घर पे भी बात करनी पड़ेगी। हाँ, बता दूंगा घर पे। और तुम बताओ कब आना तुम्हारे घर पे बात करने के लिए। पहले अपने घर पे तो बात कर लो। ठीक है, कर लूंगा। और हाँ, अभी उनको ये मत बताना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, सिर्फ शादी की बात करना। पर बताने में प्रॉब्लम क्या, अभी बतानी पड़ेगी हमें। एकदम से सारी चीजें नहीं बता सकते ना, थोड़े टाइम बाद बता देंगे। ठीक है, सुनो, अगर तुम्हारे मन में कुछ भी हो ना तो अभी बता दो। मन में तो क्या ही होगा, बस ये है कि मैंने हमारे फ्यूचर के लिए ना कोई सेविंग की है ना कुछ प्लान किया है। अब एकदम से शादी हो जाएगी, फिर बच्चा हो जाएगा, कैसे मैनेज होगा एकदम सब कुछ। तो फिर हम अबॉर्शन करा सकते हैं या फिर तुम और लड़कों की तरह मेरे को छोड़ के भी जा सकते हो। कैसी बात कर रही हो तुम, तुम्हें छोड़कर चला जाऊं वो भी ऐसी सिचुएशन में। ऐसी में तो क्या, मैं तुम्हें किसी भी सिचुएशन में छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ रहूंगा। बस ये रहेगा कि अगर एक दो साल मिल जाते या मैं पहले से फ्यूचर के लिए प्लान कर लेता तो सब कुछ अच्छे से हो जाता। तो फिर तुम एक काम करो, तुम टाइम ले लो, मैं वेट कर लेती हूँ। अरे ये वेट करने का टाइम थोड़ी ना है, टाइम कहाँ हमारे पास वेट करने के लिए। बेवकूफ, मेरा मतलब है कि आई एम नॉट प्रेग्नेंट। क्या, तो तुमने ये सब क्यों बोला मुझे, झूठ क्यों बोला? वो मैं ना डर गई थी, मेरे कॉलेज में ना एक फ्रेंड थी, वो सेम सिचुएशन में फंस गई थी और उसका बॉयफ्रेंड उसको अकेले छोड़ के भाग गया। तो मैं सोच रही थी कि अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन या इससे भी वर्स्ट कुछ मेरे साथ हुआ तो तुम मेरा साथ दोगे या मेरे को छोड़ के चले जाओगे। अरे यार तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। सच्चा प्यार करता हूँ तुमसे और जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा हर सिचुएशन में। I'm very lucky to have you in my life. मैं भी बहुत लक्की हूँ कि मेरे पास तुम्हारे जैसे लाइफ पार्टनर है। और तुम्हारे इस झूठ से, इस प्रैंक से मुझे एक चीज तो समझ में आ गई। क्या? कि मुझे हमारे फ्यूचर के लिए अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी, अभी से सेविंग शुरू करनी पड़ेगी। वो तो है, तो कर दो फिर शुरू। ठीक है, करूंगा। और तुम्हें पता है मैं ना यहाँ पे आते आते बच्चों के नाम भी सोच लिए थे। क्या? देखो आजकल जैसे ट्रेंड चल रहा है ना कि पेरेंट्स अपने नाम को जोड़ के बच्चों का नाम रखते हैं, तो अगर लड़की होती तो हम उसका नाम रखते सानिया। सानिया कितना ओल्ड फैशन नेम है। बच्चों के नाम ना मैं डिसाइड कर लूंगी, वो मेरा काम है, तुम अपना काम करो, बच्चों का फ्यूचर प्लान करो। ठीक है, डरा दिया था तुमने मुझे बिल्कुल ही एकदम से।